जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल वहीं भाजपा पर हमला करते करते कुछ ऐसा कह गए जिससे कार्यक्रम में आई जनता को भी सुनने में शर्म आ गई। उन्होंने कहा कि भाजपा काले झंडे व काले रंग से इतना डर गई है कि भिलाई चरौदा में महिलाओं के काले कपड़े के साथ साथ महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स तक जांच किया व उसे उतरवा दिए। इस बिगड़े बोल से कार्यक्रम में आई जनता बीच में ही कार्यक्रम को छोड़कर जाने लगी। छत्तीसगढ़ के बेटी मन के मातारी मन के अपमान करे काम करत है। अरे गोली मरवाए से कोई बात नहीं, लाठी मरवाए से कोई बात नहीं, बेटी मन के चट्टी उतरवा काम करे रमा सिंह कोई चुल्लू और पानी उठू मरना चाहिए। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजू गुप्ता जुड़ चुके हैं। संजू, क्या राजनीतिक स्तर इतना निचला हो गया है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए इस तरीके की शब्दावली का उपयोग किया जाता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल खैरवना कला में पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन में का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज शामिल थे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल भी शामिल थे हुए थे। आज के समय में राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में इतने गिर चुके हैं कि कहाँ पे शब्दों का चयन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब कहाँ क्या बोला जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल भाजपा पर वार करते हुए भूपेश बघेल ने जो भिलाई में अमित शाह आए हुए थे उस कार्यक्रम में काले झंडे को लेकर जो भाजपा सरकार के द्वारा जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था और अंडर गार्मेंट तक की चेक की बात की थी, लेगिंग्स तक की चेक जो हुआ था उसके बारे में जब उन्होंने मंच से जनता के सामने जब बात किए तो वहाँ पे जो बैठे जनता थे उनको भी अपने आप में एक झिझक महसूस होने लगी और उनकी बातों को सुनकर वहाँ की महिलाएं और जो लड़कियां थी वो सभा से उठकर जाने लगे और कुछ देर बाद सभा खाली जैसा नजर आने लगा। अपन ये कह सकते हैं आज के समय में कि नैतिकता नाम की चीज आज के नेताओं में नहीं रह गई है और अपने शब्दों को जो चयन है वो गरिमामय स्थिति में नहीं है। संजू, महिलाएं भी थी उस सभा में, तो कहीं ये सीडी कांड की खींच तो नहीं कि वो भूपेश बघेल अपनी मर्यादा भी भूल गए? हो भी सकता है, वहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और सीडी कांड को लेकर जो जेल बेल की राजनीति हुई है हो सकता है उसकी एक खींच हो। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में कल के कार्यक्रम में वहाँ पे गुटबाजी भी साफ नजर आ रही थी। जी, शुक्रिया संजू तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल भाजपा पर हमला करते करते कुछ ऐसा कह गए जिससे कार्यक्रम में आई जनता को भी सुनने में शर्म आ गई। उन्होंने कहा कि भाजपा काले झंडे व काले रंग से इतना डर गई है कि भिलाई चरौदा में महिलाओं के काले कपड़े के साथ साथ अंडरगार्मेंट्स तक को जांच किया व उसे उतरवा दिए। इस बिगड़े बोल से कार्यक्रम में आई जनता को इतनी शर्माई कि बीच में ही कार्यक्रम को छोड़कर जाने लगी।